रोका। नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्र। शुरुआत करते हैं खबरों की। मौसम लगातार बदल रहा है, यूपी में गलन, कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर जारी है और मौसम विभाग के अनुसार अभी करीब 15 दिन यूपी को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। जनवरी में जमकर बारिश हुई और 3 से 5 फरवरी में भी यूपी के कई जिलों में झमाझम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि यूपी के कई क्षेत्रों में 3 दिन बारिश होगी और उसके बाद ठंड और बढ़ जाएगी। लखनऊ, लखीमपुर, फतेहपुर, उन्नाव, 4 तस्वीरें आप आपको दिखा रहे हैं जहां पे मौसम का हाल आप देख सकते हैं। लखनऊ में जहां बारिश हो रही है सुबह से, तो वहीं लखीमपुर में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है, घना कोहरा है। फतेहपुर में भी कोहरे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। उन्नाव में भी ठंड का माहौल है और लोग आग जलाकर खुद को ठंड से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3 से 5 फरवरी तक बारिश की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। यूपी में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और लगातार पूर्वानुमान जारी है कि पूरी फरवरी अभी ठंड जारी रहेगी। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस तरह से ठंड देखने को मिल रही है और लखनऊ में सुबह से बारिश देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? है उसमें तकरीबन 3 बजे से लेके आज सुबह 5 बजे रुक रुक के बारिश देखने को मिली है। साथ ही जो सुबह के वक्त था उस वक्त हल्का कोहरा भी बारिश के साथ देखने को मिला है। इसी के साथ एक बार फिर जो प्रदेश की राजधानी है वहां पे जो ठंड का कहर है वो एक बार फिर से दिखने लगा है, क्योंकि जो हवा चल रही है वो बहुत ही गलन भरी है। इसलिए जो शहर में जो लोगों का आवागमन है सुबह के वक्त वो कम है। फिलहाल अभी धूप निकलना शुरू हुई है जिसके चलते जो लोग हैं वो सड़कों पे एक बार फिर से दिखने लगे हैं। जी अभिषेक, जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, नगर निगम द्वारा जो कुछ तैयारियां की गई है, जो कुछ अलाव की व्यवस्था की जा रही है, उसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे। जिसका देखिए आपको बता दें कि नगर निगम ने ये एक कोशिश की है कि जितने भी शहर के प्रमुख चौराहे हैं, चाहे हम लखनऊ शहर के पॉलिटेक्निक चौराहे की बात करें या मुंशी पुलिया चौराहे की बात करें, वहाँ पे और ऐसे जो अनेक अन्य चौराहे हैं वहाँ पे जो है वो रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। उनमें जो अलाव की भी व्यवस्था है ताकि जिन लोगों के पास सर ढकने के लिए छत नहीं है वो ऐसी रात के वक्त और सुबह के वक्त खासकर जब बहुत ठंड पड़ रही होती है वो इन जगहों पे रहें और आग के पास रहें। उन वो जो हवा है जो इस टाइम बहुत गलन भरी है उससे बच सकें। तो इसके लिए जो नगर निगम है उसमें तकरीबन लखनऊ शहर के हर प्रमुख चौराहे पे रैन बसेरे की व्यवस्था की है। साथ ही साथ जो अलाव है, आग है, वो जलाई गई है और अधिक मात्रा में लकड़ियां भी रखी हुई है। पर सिर्फ आपको बता दें कि जो लखनऊ के जो ग्रामीण क्षेत्र है, क्योंकि ठंडी वहां पे भी है और कहीं ना कहीं वो शहर से बाहर है, तो वहाँ जो पारा है वो शहर से 1 से 2 डिग्री कम देखा जाता है, तो वहाँ पे ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। इसके चलते कहीं ना कहीं ये शासन के लिए जो है वो देखने का विषय है और इस पे काम करने का विषय है। अभिषेक, मौसम विभाग ने ठंड और बारिश की चेतावनी जारी की है, तो बारिश से और ठंड बढ़ सकती है, क्या कुछ जानकारी है? मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है? जिसका आपको बता दें कि अगले 2 दिन यानी कि आज से लेके 3 तारीख, आज 3 तारीख से लेके 5 तारीख तक मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो उत्तरी भारत की जो धौलाधर पहाड़ों की श्रृंखला है वहां पे आज सुबह ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है, जिसके चलते जो शिमला समेत अन्य पर्यटक के जो शहर है वहां पे बर्फबारी हुई है। तो इसके चलते जो गलन भरी हवा है वो अभी लगातार उत्तरी मैदानों की तरफ ही है, जिसके चलते जो प्रदेश के कई जिले हैं वहां पे ठंड का जो सिस्टम है वो बरकरार रहेगा। साथ ही साथ बारिश देखने को मिल सकती है अगले 2 दिनों तक। तो इसके चलते लोगों से यही अपील है कि वो अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और कहीं ना कहीं ठंड से बचने का प्रयास करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ सहयोगी अभिषेक जुड़े थे। तो ठंड का कहर जारी है और मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी कर दी है कि अगले 3 दिनों तक ठंड जारी रहेगी और यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है और फरवरी में भी ठंड से राहत मिलने की कहीं उम्मीद नहीं दिख रही है।
मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है और बताया है कि ठंड जारी रहेगी, साथ ही कुछ दिनों तक बारिश भी लगातार हो सकती है। तो मौसम बदल रहा है और सीधा असर मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से देश में ठंड ना कहर बरपा रही है, तो चुनाव का माहौल है और ऐसे में चुनावी सरगर्मियां देखने को मिल रही है। वहीं देश कोरोना की मार भी झेल रहा है, लेकिन जो ठंड की मार है वो लोगों के व्यवसाय और स्वास्थ्य दोनों पर असर डाल रही है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है और बताया है कि अभी कुछ दिन और राहत नहीं मिलेगी ठंड से। तो यूपी में मौसम का मिजाज बदलेगा और बारिश होगी और बारिश की वजह से लोगों को और तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। तो वही पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी का भी सीधा असर देखने को मिल रहा है और सीधी ठंडी हवाएं मैदानी क्षेत्रों में आ रही है। लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है और आने वाले दिनों में भी यूं ही ठंड जारी रहेगी, जो आप पूरी जनवरी बारिश देखने को मिली। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता धीरज जुड़ चुके लखीमपुर खीरी से। धीरज, जिस तरह से ठंड देखने को मिल रही, ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, आम लोगों को किन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए बिल्कुल शिखा जी, बता दें लखीमपुर खीरी में देर रात से तेज हवाएं चलने, उसके बाद में जो 10 बजे के करीब में जो वो तेज हवाओं के साथ में जो 8-10 बजे के करीब में बारिश भी हुई है, जिससे किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें बाकायदा दिख रही है। लोग परेशान है, ठंड का माहौल भी बड़ा हुआ है, लोग अपने घरों में ही बैठे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। ठंड का जो माहौल है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है इस समय जी। अलाव की क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रही है, क्या हर चौराहे पे अलाव की व्यवस्था करवाई जा रही है? देखिए बिल्कुल बता दें, अगर प्रशासन की हम बात करें तो प्रशासन की तरफ से पूरी लापरवाही बरती जा रही है, चाहे वो तहसील प्रशासन, चाहे वो मोहम्मदी हो, चाहे वो मितौली हो, चाहे वो पलिया हो, कहीं भी इस तरीके से की व्यवस्थाएं नहीं देखी जा रही, ना तो कहीं पे अलाव की व्यवस्था की गई है, ना तो जो तहसील प्रशासन की तरफ से कोई ठंड से बचाव की व्यवस्था की जा रही है जी। चुनावी माहौल है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आती है, लखीमपुर का क्या हाल है? देखिए बिल्कुल, अगर हम चुनाव की बात करें तो चुनाव प्रक्रिया जो बराबर चल रही है, 4 तारीख तक चुनाव में नामांकन होने, उसके बाद में जो 7 तारीख तक नामांकन की वापसी, उसके बाद में जो चुनाव, लेकिन अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बिल्कुल प्रशासन की पूरी लापरवाही देखने को लखीमपुर खीरी में मिल रही है जी। अब बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, इसको देखते हुए किन तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है लोगों को? देखिए बिल्कुल, आम आदमी की बात करें तो बरसात का माहौल है, पूरी तरीके से आम आदमी परेशान है, ठंड भी बढ़ रही है, किसान के चेहरे पर अगर बरसात भी हुई, ओलावृष्टि भी है, तो किसान जो तिलहन की फसल को नुकसान पहुंच रहा है, इससे किसान जो है परेशान है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता धीरज जुड़े थे लखीमपुर से। तो अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आ रही है जहां ठंड अपना कहर बरपा रही है, घना कोहरा है जो अपना सितम ढा रहा है और इसकी वजह से किसानों को भी काफी परेशानी हो रही है, आम लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। घर में रहने को लोग मजबूर है, लेकिन जिन्हें कुछ जरूरी काम से घर से बाहर जाना है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सपा और रालोद ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच आज बुलंदशहर में सपा और रालोद गठबंधन के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाएगी, जबकि विजय रथ से बुलंदशहर से नोएडा की दूरी तय करेंगे अखिलेश यादव। वहीं बीजेपी के केंद्र गृह मंत्री अमित शाह भी आज बुलंदशहर में हुंकार भरेंगे। सबसे पहले दोपहर 12 बजे वो बुलंदशहर के अनूप शहर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो डिबाई में 1:15 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि प्रियंका गांधी भी आज बुलंदशहर में अपनी ताकत दिखाएंगी। तो 3 बड़ी पार्टियों के दिग्गज आज बुलंदशहर में रहेंगे और आपको बता दें कि जहां जयंत अखिलेश गठबंधन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा बुलंदशहर से, अमित शाह भी गर्जना भरते हुए नजर आएंगे बुलंदशहर से, तो प्रियंका गांधी भी आज अपनी ताकत दिखाएंगी बुलंदशहर से। 3 बड़ी पार्टियां
रालोद और सपा का गठबंधन की बात करें तो जयंत चौधरी अखिलेश भी बुलंदशहर में रहेंगे, भाजपा से अमित शाह और कांग्रेस से प्रियंका गांधी आज बुलंदशहर में रहेंगे। तो तीन पार्टियां जब बुलंदशहर में रहेंगे तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जनता का रुझान किधर रहता है। तो सभी के कार्यक्रम तय हैं और चुनावी माहौल है, बहुत कम समय बचा है चुनाव को लेकर और चुनावी तारीख नजदीक आ गई है। और बुलंदशहर की बात करें तो वहां पे भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, क्योंकि आज कई बड़े दिग्गज बुलंदशहर की जमीन पर उतरेंगे, चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे और जब सभी एक साथ मौजूद होंगे तो काफी भीड़ भी देखने को मिल सकती है और जनता काफी उत्साहित भी हो सकती है। और इस खबर पर हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता शिवांग जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से। शिवांग, क्या कुछ जानकारी है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी देखने को मिल रही है, आज कई बड़े दिग्गज बुलंदशहर में उतरेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि तीन बड़े दिग्गज, तीन बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर आज आने वाले हैं। डिबाई और अनुपसर विधानसभा क्षेत्र में अमित शाह आज आएंगे, यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन उनका अभियान जो कार्यक्रम यहाँ पर चलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर प्रियंका गांधी आएंगी जो कि सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र से, उसके बाद में जो है यहाँ बुलंदशहर आएंगी और यहाँ पर प्रेस वार्ता की जाएगी। और उसके बाद अखिलेश यादव और जयंत चौधरी वो दोनों यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जनता उनका जनता का डोर टू डोर कैंपेन उनका भी यहाँ पर किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है कि तीनों दिग्गज एक ही दिन में एक साथ आना एक ही शहर में, और इसी इसी मकसद से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं, पूरी तरीके से प्रशासन की टीमें अलर्ट है। जी शिवांग, अगर बात करें सपा रालोद की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो कितने बजे की जाएगी और जयंत चौधरी अखिलेश कितने बजे बुलंदशहर पहुंचेंगे? शिवांग आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी शिवांग, सपा रालोद गठबंधन जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा उसके लिए जयंत चौधरी अखिलेश कितने बजे बुलंदशहर पहुंचेंगे? जी देखिए मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव का 11 बजे पुलिस लाइन के अंदर हेलीकॉप्टर यहां पर पहुंचेगा, उसके बाद गाड़ी से अखिलेश यादव एक यहां पर स्नेहा गार्डन है वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां पर तमाम जो मुद्दे हैं चुनावों को लेकर वार्ता की जाएगी, तमाम वहां पर कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ जो अधिकारी हैं उनकी पैनी नजर इस पर पूरे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों पर लगातार बनी रहेगी। जी और अमित शाह कितने बजे पहुंचेंगे? जी अमित शाह जो अनुपसर विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले आएंगे, उनका 12:30 बजे का प्रोग्राम है जो 12:30 बजे अनुपसर में आएंगे और उसके बाद डिबाई में पहुंचेंगे। डिबाई का अनुपसर विधानसभा का एक क्षेत्र है जहांगीराबाद ब्लॉक है, वहां पर मंडी में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे अमित शाह और इनका एक कार्यक्रम जारी रहेगा लगभग एक घंटे तक। एक विधानसभा क्षेत्र में अमित शाह जो है वहां पर अपना कार्यक्रम डोर टू डोर कैंपेन जारी रखेंगे। शिवांग, प्रियंका गांधी का भी आज बुलंदशहर में कार्यक्रम है, वो कितने बजे पहुंचेंगे और कहां पे उनका कार्यक्रम स्थित है? देखिए तीनों जो है प्रियंका गांधी है, प्रियंका गांधी का सबसे पहले सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम होना है, वहां से डोर टू डोर कैंपेन स्टार्ट करेंगी, पब्लिक के बीच जाएंगी, जनता के बीच जाएंगी। और वहां पर मैं आपको बता दूं कि सिकंदराबाद विधानसभा से सलीम अख्तर हैं कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं और उनके उसमें मतदाता वोट मांगेंगी, डोर टू डोर कैंपेन करेंगी जाके वोट। उसके बाद में जो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव हैं दोनों आएंगे, दोनों यहाँ पर आएंगे पुलिस लाइन में लगभग 11 बजे उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा, उसके बाद विजय रथ यात्रा उनकी चालू होगी। और अमित शाह की मैं बात करूं तो 12 बजे करीब लगभग 12:15 से 12:30 के बीच में अनुपसर विधानसभा में पहुंचेंगे, उसके बाद डिबाई में पहुंचेंगे और डिबाई के और अनुपसर विधानसभा के ब्लॉकों में जाकर डोर टू डोर कैंपेन स्टार्ट करेंगे। जी तो आज जनता का रुझान किसकी जनसभा में देखने को मिल सकता है और जिस तरह से तीन बड़ी पार्टियों के बड़े नेता आज बुलंदशहर में मौजूद रहेंगे तो कैसा माहौल रहेगा? बिल्कुल देखिए माहौल बिल्कुल अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़े नेता हैं, पार्टी के शीर्ष नेता हैं, तो ये लगातार जो है जब आएंगे तो पुलिस के इंतजाम भी लगातार पुख्ता किए गए हैं और तमाम जो कार्य जो तैयारियां हैं वो कर दी गई हैं, कार्यकर्ताओं ने भी तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं और तमाम जो बुलंदशहर पुलिस की टीमें हैं, जिला प्रशासन है, बुलंदशहर एडमिनिस्ट्रेटिव लगातार यहां पर नजर बनाए हुए रहेगा।
जी शिवांग, अगर बात करें इस जिले की, तो इस जिले में किसका दबदबा देखने को मिलता है, कौन सी पार्टी जिसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहता है? देखिए, अगर मौजूदा में विधानसभाओं की बात करूं तो 7 विधानसभा बुलंदशहर में है और 7 विधानसभा में बीजेपी का खासा रुझान यहां पर है। 7 विधानसभा में बीजेपी के मौजूदा 7 विधायक हैं और यहां पर लगातार जो है देखने को मिलता है कि इस बार जो टक्कर देखने को मिल रही है वो गठबंधन और बीजेपी में देखने को मिलेगी। जो गठबंधन होगा वो बिगेस्ट कॉम्पिटिटर के रूप में साबित होता दिख रहा है बुलंदशहर के अंदर, अगर मैं बात करूँ तो। जी, तो प्रियंका भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, तो क्या उनको भी कोई सफलता हाथ लग सकती है बुलंदशहर से? जी देखिए, ताकत तो सभी दिग्गज अपनी अपनी आजमा रहे हैं, सभी दिग्गज जो है अपने अपने लगातार कर रहे हैं कि कोशिश पूरी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई बिल्कुल पूरी तरीके से अपने अपने प्रत्याशियों के विधानसभा क्षेत्रों में जाएं और जनता को अपने लुभाने की कोशिश करें कि उनको वोट दी जाए, उनको ज्यादा से ज्यादा जनता का समर्थन मिले, अपार प्यार मिले। ये कहीं ना कहीं सभी दिग्गज जो अपने आप में पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता शिवांग जुड़े थे बुलंदशहर से। तो 3 आज बड़ी पार्टियों के दिग्गज नेता आज बुलंदशहर में उतरने वाले हैं, जहां सपा गठबंधन देखने को मिल सकता है। सपा रालोद गठबंधन जयंत चौधरी और अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे। तो वहीं बुलंदशहर में प्रियंका और अमित शाह भी नजर आएंगे और हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।